बाजार आ गया, ऐसे लगता है यार जैसे कि ना दुनिया सारी जाग रही है और हम ही जो है ना वो ही मरे हुए हैं। यानी कि रोना क्या, देखो ना सारे इकट्ठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। आज आप लोगों ने लेके आ चुके कोई नई वीडियो करना व्लॉग। फिलहाल रात के अंधेरे में गलियों में घूम रहा फाजा आपका, क्योंकि जो मेरी तबीयत है यार वो सारा दिन आज ख़राब रही है। मैंने मेडिसिन वगैरह ली और अब मेरी तबीयत कुछ पहले से बेहतर है, इसलिए मैंने कहा ज़रा बाहर निकल दूँ, थोड़ी वॉक चेक करता है, दिमाग थोड़ा फ्रेश हो। अंधेरे में वीडियो बनाना जो है वो बिल्कुल और सीन है और रोशनी में बनाना बिल्कुल और सीन है। मैंने ये हिसाब लगाया, फिलहाल मैं रुक इसलिए गया हूँ क्योंकि ये ना फ्लैश लाइट क्योंकि मोबाइल की ऑन है तो वो मेरी आंखों में पड़ रही है और आगे से बिल्कुल अंधेरा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसलिए मैं रुक गया हूँ। मैंने कहा ये ना ना मैं गिर जाऊँ यार, तो यानी कि ये भी एक्सपीरियंस अच्छा पहले मैंने किया था, लेकिन पहले ये सीन था कि आसपास ना रोशनी थी, तब अंधेरा था, रात का टाइम था, लेकिन आसपास कुछ ना कुछ रोशनी थी। फिलहाल कोई रोशनी नहीं है, इसलिए जो है ना मुझे बिल्कुल कोई नज़र नहीं आ रहा आगे से। मैं अब ये सोच रहा हूँ मोबाइल के आगे भी ना बंदा वैसे कोई, यानी कि एक तो ये होगी ना बैक लाइट अपनी, एक आगे भी बंदा लाइट लगवाए ताकि व्लॉग रात को अगर बनाना पड़ जाए कहीं तो बंदे चलते हुए कम से कम आगे तो नज़र आए ना। वैसे चांद की रोशनी अच्छी खासी है, लेकिन ना यानी कि क्योंकि ये लाइट मेरी आंखों में डायरेक्ट पड़ रही है ना, तो पता है बंदा वैसे भी एकदम रोशनी से घर में भी एंटर होना अंदर कमरे में तो अंधेरा अंधेरा ऐसा होता, समझ कुछ नहीं आता। तो फिलहाल भी वही सीन है ऐसे, तो ये आंखों में ना मेरी चुभ रही है क्योंकि मेरे पहले यार तबीयत ख़राब है ना, सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द है। तो फिलहाल बंद करते हैं, निकलते हैं आगे यार, चलना भी तो है ना, बाज़ार जाना है अभी। बाज़ार आ गया, ऐसे लगता है यार जैसे कि ना दुनिया सारी जाग रही है और हम ही जो है ना वही मरे हुए हैं। यानी कि रोना क्या, देखा ना सारे इकट्ठे हुए हैं, माहौल बनाया हुआ सही, लेकिन माहौल से मुझे क्या यार, मुझे तो तब सुकून मिलेगा जब मेरी अपनी तबीयत ठीक होगी। फिलहाल मैं जा रहा हूँ बाज़ार की तरफ, बाज़ार जो है वो बिल्कुल मेरे सामने आ चुके इस टाइम, यानी कि पास हूँ मैं बाज़ार के बहुत, और दुनिया जो है वो अपना गेमा गेमी में फुल मगन है और मेरा दिमाग आप थोड़ा सा ना फ्रेश होने में लाग गया हूँ। तो एक वजह यह, दूसरी वजह यह, मैं घर से बाहर इसलिए निकल आता हूँ, घर में रह रहे एक तो बंदा बोर हो जाता है, दूसरा घर वाले जो है वो बंदे की शक्ल देख देख के ना वो बोर हो जाते हैं यार बड़े सख्त। ये बड़ी अच्छी बात कही यार, फिलहाल इसलिए ना निकल आते हैं ताकि उनकी जो मोहब्बत है वो हमारे साथ कायम रहे। अब मैं घंटे बाद जाऊंगा, उन्हें शायद मेरे प्यार आ जाए। लो जी यहाँ से पता लग रहा है कोई कि ना बाजार जो है ना फुल एक्टिव मोड में है, देखो ना वो सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े हैं, फुल माहौल जो है वो मचा हुआ है अपना इस टाइम इधर। और ये जो है ये अल्लाह रखा साहब का होटल है, काफ़ी ये मशहूर और मलकवाल का पुराना होटल है। ये कुल्फी है दिल बार, ये भी काफ़ी पुरानी कुल्फी है। वापसी पे लूँगा, फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ आगे, थोड़ी वॉक कर लेते हैं फिर वापसी पे लूँगा पान भी लेना यार, कुल्फी लूँगा सॉरी वापसी पे दिलवार बनू की, लेकिन फिलहाल मैं पान लेने जा रहा हूँ, पान खाता हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना यार जब मैंने पान लेना ही है तो आप लोगों को सारे सीन साथ साथ दिखाते रहूँ कि पान असल में बनता कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि पान कैसे। ये मीठा पान है, तंबाकू वाला पान बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको ये कहूँगा तंबाकू वाला पान बिल्कुल भी ना खाओ यार, वो सेहत के लिए हानिकारक है, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। लेकिन ये जो मीठा पान है ये अच्छी चीज़ है, इसमें जो जो डाल रहे हैं ना मुझे इनके बिल्कुल नाम नहीं पता, किशमिश काजू बादाम कोई भी ऐसा सीन नहीं है, मतलब कि ये कुछ और ही है यार, ये जो कुछ भी है ना आपकी आँखों के सामने आप खुद हिसाब लगा लें। सौंफ है ये मुझे पता है, ये सौंफ है बस इतने मुझे पता, बाकी आप खुद हिसाब लगा लें जो भी है चीज़। पान बनने के बाद सबसे आखिर मैंने ये प्रोसीजर किया जाता है, यानी कि पान को इस तरह से पैक किया जाता है और फिर दे दिया जाता है हमें कि लो भाई खा लो। मैंने अपने मीठे पान भी ले लिए और आपको दिखा दिया कि मीठे पान किस तरह बनते हैं, मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ, साथ साथ खाते जाते हूँ। रात को ये टाइम है और अगर आप दिन में इस बाज़ार में आएँ, सॉरी थोड़ा बुखार हुआ ना, टेम्परेचर हुआ तो उस वजह से मेरी जुबान स्लिप हो रही, तो खैर है कोई बात नहीं। अगर आप दिन में इस बाज़ार में आएँ तो यहाँ आपको ना शायद पाँव रखने की जगह ना मिले। फिलहाल लाइट भी गई हुई है और दूसरी दुकानें वगैरह भी बंद हैं, इसलिए बिल्कुल अंधेरा हुआ हुआ है। कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत तो आपको दिखा सकूँ, अगर ये बाइक वाला आया ना, हाँ अब नज़र आएगा, रोशनी पड़ेगी ना। ये देखें, देख लिया फिर फाइनली आपने पान बनने का भी प्रोसीजर। यार तंबाकू वाला बिल्कुल ना पान खाएं, मैं ये कहता हूँ आप लोगों को तंबाकू वाला ना खाएं, दूसरा खा ले मीठे की, खैर है
खुशबू आती है, मुंह से जायका भी अच्छा है, इसलिए वो खा सकते हैं। फिलहाल मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा नीचे, इसलिए मैं आगे देख के चलता हूँ, गिर ना जाऊँ। Your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing all right. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Such a look good in the dim bar light. जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने ले ली हैं। फिलहाल अब मैं जा रहा हूँ वापस घर अपने, और आप लोग देख सकते हो यार कि पसीना मुझे आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मेरी अब तबीयत पहले से फिट होने लगी, थोड़ा जिस्म घुल रहा है और मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। और अब मुझे लग रहा है कि मेरा बाहर आने का फैसला अच्छा था। पहले मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ था यार, बाहर जाऊँगा ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो जाए, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि अच्छा फैसला था मेरा। हाई जल्दी घर आ भाई, थक गए यार, घर आ गया जी मैं वापस। हाय 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 हाय, ये जो सोफा ना इस पर बैठ के इतना मुझे मज़ा आता ना, ये रखता हूँ। बाबा मेरे जो है वो सिगरेट पड़े हैं उनके उधर, ये स्ट्रे है, ये मैंने मोबाइल और वॉलेट अपना रख दिया इधर, और मैं यहाँ बैठ गया हूँ। तो मैंने थर्मामीटर ढूंढा लेकिन थर्मामीटर नहीं मिला। पहले हमारे घर में पड़ा हुआ था एक थर्मामीटर, मैंने कहा अपना टेम्परेचर चेक करता हूँ कि आप कितना है, लेकिन थर्मामीटर नहीं मिला। कल अब जाऊँगा अपना एक नया थर्मामीटर भी लाऊँगा घर के लिए। तो लेकिन बात यह है कि अभी जो है ना, मुझे अपनी जो तबीयत है, फीलिंग्स बेटर है मेरी, पहले से बेहतर हुई हैं फीलिंग्स। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि मेरा बुखार जो है उतर जाएगा, ताकि मैं फ्रेश होकर आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँ इस तरह, क्योंकि वीडियोस नहीं रोकना चाहता। आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार करते हैं आप लोग मुझे यार, तो दिल से अच्छा लगता, सही बात है। आप लोगों से भी फाजा आपका बहुत ज़्यादा प्यार करता, सही बात है। इसलिए रोज़ आपके लिए एक फ्रेश ताज़ी कहीं ना कहीं से निकाल जाता हूँ वीडियो में, कोशिश करके बीमार हूँ जो भी हूँ वीडियो लाऊँगा। इस वीडियो को आज यहीं पे करते हैं ख़त्म, क्योंकि मैंने अपनी दूसरी डोज लेनी है मेडिसिन की, उसके बाद मुझे थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत होगी ताकि मैं आगे मजीद फर्दर वीडियोस बना सकूं। इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं ख़त्म। कल फाजा आप लोगों के लिए लेके आएगा नया व्लॉग, नई वीडियो। फिलहाल के लिए फाजा होता है फरार, मिलेगा आप लोगों को कल एक नई वीडियो के साथ।